बांग्लादेश की घटनाओं पर भारत में भी दिखने लगा असर। हिंदू रक्षा दल ने दिया बयान, बांग्लादेश में इस वक्त माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहां नफरत की फैली आग ने इस कदर कहर बरपाया कि 470 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिनको लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं इसकी आंच अब भारत तक भी पहुंच गई है। वहां जो अल्पसंख्यकों के साथ घटना हुई है, उस पर भारत में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिन्होंने क्या कुछ कहा यह आपको जरूर सुनना चाहिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और सारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया मौन है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए सब चुप हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं, या तो 24 घंटे में वहां बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, अन्यथा मुझे सभी जगह की जानकारी है, यहां जितने भी बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं सभी हिंदू रक्षा दल की रडार पर हैं, और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उनके लिए आर पार की पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं और दे रहा हूं, या तो आप बांग्लादेश पर इतना दबाव बनाएं कि वह हिंदू पर अत्याचार बंद कर दें, अन्यथा यहां भी हम बांग्लादेशियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाइयों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन अपने भाइयों पर अत्याचार, अपने परिवारों पर अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। जय श्री राम। तो सुना आपने, अब दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को नहीं छोड़ने की बात कही, साथ ही पीएम मोदी को 24 घंटे का अल्टीमेटम तक दे डाला। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है। जिस तरह से धमकी देने का वीडियो सामने आया है, इस पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर सच में धमकी के मुताबिक कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाएगा। ये वीडियो प्रशासन पर भी अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। बहरहाल आपको बता दें कि बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। यह आंदोलन अभी भी जारी है और खबर है कि आज यहां नई सरकार बन सकती है और पीएम भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो पर क्या अपडेट सामने आती है, ये जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।